दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल अकाउंट को रिकवर कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अब ये जो दोस्तों जीमेल अकाउंट आप रिकवर करना चाहते हो, मैं आपके यहाँ पर दो स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर कौन सा भी एक स्टेप फॉलो करके आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने जो मोबाइल फ़ोन का जो डेटा यानी इंटरनेट है उसको यहाँ पर आपको ऑन करना है। अब इसको यहाँ पर ऑन करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है। जैसे भी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर एक नीचे में गूगल का बटन आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, उस गूगल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप गूगल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब वो गूगल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ पर फिर से ऊपर के साइड में थ्री डॉट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, उस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब उस थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों में से आपको हेल्प वाले बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप हेल्प वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये हेल्प वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपके यहाँ पर नीचे में सर्च हेल्प ये वाला आपको बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, ये सर्च हेल्प वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या टाइप करना है वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, लॉस्ट और स्टोलेन फ़ोन, आपके यहाँ पर इतना टाइप करके नीचे आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप नीचे यहाँ पर सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये नीचे सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर के साइड में देख सकते हो फिक्स कॉमन इश्यू विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो रिकवर योर अकाउंट, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से फिर से क्या करना है आपको, टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर फिर से क्या करना है, अकाउंट रिकवरी पेज, आपको इस पेज पर क्लिक करना है। जैसे भी आप पेज पर क्लिक करेंगे, पेज पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों सीधा आपको ये रिडायरेक्ट अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको लेकर जाएगा। तो अब आपके यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो ईमेल और फ़ोन, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप जिस भी जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो उस जीमेल अकाउंट के यहाँ पर आपको डाल देना है। तो जैसे कि जो मेरा यहाँ पर जीमेल अकाउंट है, मैं उस जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर डाल देने के बाद दोस्तों फिर से आपके यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट का बटन आपको दिया जाता है। तो जैसे कि अब आपके यहाँ पर क्या करना है, उस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पासवर्ड फिल करने को बोल रहा है। अब मान लो दोस्तों आपके यहाँ पर पासवर्ड पता नहीं है, अब आपके यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपके यहाँ पर नीचे में ट्राई अनदर वे, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप ट्राई अनदर वे पर क्लिक करेंगे, अब आपके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है। जैसे भी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर नीचे में गेट अ वेरिफिकेशन कोड, यानी आपके यहाँ पर नीचे में दो आपको लास्ट के दो डिजिट आपको नंबर दिखाई देते हैं। अब उस नंबर पे आपको एक कोड आएगा, यानी 6 अंकी कोड आएगा। उस कोड को आप यहाँ पर फिल करके आप अपने यहाँ पर जीमेल अकाउंट आप रिकवर कर सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ पर अपना नंबर फिल नहीं करना चाहते हो, जैसे भी आप यहाँ पर आई डोंट हैव माई फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने कूल डोंट साइन यू इन, ये आपके यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नीचे में आपको टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है।
तो जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर चुका हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ सेकंड वेट करता हूँ। अब मान लो जैसे आप कुछ सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर के साइड में यहाँ पर कोड आ चुका है। तो जैसे कि आपको उस कोड को यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है। अब उस कोड को कॉपी करने के बाद अब आपके यहाँ पर करना है इंटर द कोड, आपको इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। अब इस कोड को पेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपके यहाँ पर एक नीचे में नेक्स्ट का आपको बटन दिया जाता है। तो जैसे कि आपको ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देता है, यानी जो ये जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपका यहाँ पर रिकवर हो चुका है। अब आपके यहाँ पर नीचे में दो बटन आपको दिखाई देते हैं, अब इन दोनों बटन में से आपके यहाँ पर क्या करना है, अपडेट पासवर्ड आपको इस बटन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हो, यानी अपडेट पासवर्ड पे आप क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक अच्छा सा आपको नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड को नहीं डालना है, अच्छा सा आपको एक नया पासवर्ड को क्रिएट करना है। नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर से आपके यहाँ पर नीचे में सेव पासवर्ड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप मान लो सेव पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये जो आपका जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपके यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला स्टेप, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा स्टेप। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी दूसरे स्टेप की तरफ। अब दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को ओपन करना है। अब मान लो जैसे भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को ओपन करेंगे, जीमेल ऐप ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देता है। अब ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्या करना है, ऊपर के साइड में आपको एक प्रोफाइल का बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि दोस्तों उस प्रोफाइल वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना है। अब उस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा आपको नया पेज देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी सारे जीमेल अकाउंट्स लॉगिन हैं, वो सारे जीमेल अकाउंट्स आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आपके यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपके यहाँ पर नीचे में ऐड अनदर अकाउंट ये वाला आपको बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको उस बटन पे क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, अब उस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा आपको नया पेज देखने को मिलता है। अब ये ऐसा नया पेज आपको देखने को मिलने के बाद अब आपके यहाँ पर पाँच ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अब इन पाँचों में से आपके यहाँ पर क्या करना है, गूगल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब मान लो दोस्तों जैसे भी आप गूगल वाले बटन पे क्लिक करते हो, गूगल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, आपका यहाँ पर जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपको फिल करना है, यानी आपको उस पासवर्ड को आपको डाल देना है। अब जैसे भी आप उस पासवर्ड को वहाँ पर डाल देते हो, पासवर्ड डालने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब ये नया पेज ओपन होकर आने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, अब आपके यहाँ पर ऊपर के साइड में दोस्तों ईमेल और फ़ोन ये वाला आपको यहाँ पर बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको उस बटन पे क्लिक करना है, अब उस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, अब जिस भी जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो जैसे कि मैं उस जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो जैसे कि दोस्तों मैं उस जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। अब उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर डाल देने के बाद दोस्तों फिर से आपके नंबर के नीचे में नेक्स्ट का बटन आपको दिया जाता है। तो जैसे कि आपके नंबर क्या करना है, उस नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब उस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा आपको नया पेज आपको देखने को मिलता है। अब ये नया पेज आने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड आपको फिल करने को बोलता है। अब मान लो आपको यहाँ पर पासवर्ड पता नहीं है, यानी आपको पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो फिर से आपके यहाँ पर नीचे में क्या करना है, आपको एक फॉरगेट पासवर्ड का बटन आपको दिया जाता है। तो जैसे कि आपको उस फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करना है, अब उस फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, कुछ सेकेंड आपको यहाँ पर वेट करना है। अब मान लो जैसे आप यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करते हो, कुछ सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ ऐसा नया पेज आपको देखने को मिलता है। अब ये नया पेज आपको देखने को मिलने के बाद अब दोस्तों ये जो आपका जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपका यहाँ पर रिकवर हो चुका है।
अब आपके यहाँ पर क्या करना है, आपको पासवर्ड को अपडेट करना है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर नीचे में अपडेट पासवर्ड का अब आपको बटन दिया जाता है, तो जैसे कि आपको उस अपडेट पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब उस पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपके यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड को फिल करना है। अब यानी आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड को नहीं डालना है, आपको एक अच्छा सा नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब मान लो जैसे आप ये नया पासवर्ड आप क्रिएट कर लेते हो, नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर से आपके यहाँ पर नीचे में सेव पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप सेव पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब ये जो आपका जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल फ़ोन में रिकवर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो हम मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।